अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रोबेबली इज। एंड विद ईच पासिंग डे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीम्स टू बी जस्टिफाइंग इट। नाउ लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन डेली सिटकॉम विद 3768 एपिसोड्स एंड काउंटिंग, तारक मेहता हैड 15 years back in July 2008 immediately grabbed people's attention when it was first aired. All thanks to its razor-sharp humor and relatable content, and of course, the fact that Indian audience was tired of seeing scheming sas bahus on their television screens. The show soon developed a cult following with superstars like Salman Khan, Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, Ranveer Singh and Amitabh Bachchan gracing the show to promote their respective films. मगर जैसे जैसे साल बीतते गए इसकी खामियां भी बढ़ती गई और जनता ने इस शो के क्रिएटर असित कुमार मोदी पर लगाने शुरू कर दिए कई आरोप। However, all these allegations were pretty harmless. मिसाल के तौर पर, a lot of fans felt genuinely cheated when, after multiple promises and numerous episodes dedicated to it, पोपटलाल की शादी नहीं कराई गई। Or when, after multiple promises, Disha Vakhani never returned as Daya Bhabhi. कई fans की ये भी शिकायत थी कि show अब entertaining के बजाय preachy हो चुका है and that it should end now. मगर अब जो आरोप असित मोदी पर लगे हैं वो कहीं ज्यादा सीरियस हैं। शो में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर बंसीवाल ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। इन इंटरव्यूज गिवन टू मल्टीपल न्यूज पब्लिकेशंस, जेनिफर अलेज्ड दैट असित यूज्ड टू प्रेशर हर टू ड्रिंक विद हिम इन हिज रूम। शी एडेड कि जब 2019 में पूरी तारक मेहता टीम सिंगापुर गई थी और वहां असित ने जेनिफर से कहा था दैट शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल ही फेल्ट लाइक किसिंग हर। जेनिफर अलेज्ड दैट व्हेन शी सेड नो मल्टीपल टाइम्स हर स्क्रीन स्पेस वॉज रिड्यूस्ड लीडिंग टू मच मेंटल एंग्विश। सिक्के के दूसरे पहलू की अगर बात करें तो शो के हेड ऑफ ऑपरेशंस सोहेल रमानी और उनके असिस्टेंट जतिन बजाज ने उल्टा जेनिफर पर आरोप लगाया है कि शो से उन्हें इसलिए निकाला गया था क्योंकि सेट पे उनका बिहेवियर बहुत रूड था। अब सच्चाई जो भी हो वो तो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन फिलहाल असित का पलड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। Reason being that Jennifer isn't the only one who has expressed her disappointment with the show. पहले शो की बैकबोन कही जाने वाली दिशा वकानी उर्फ दया भाभी असित के लाख बुलावे पर भी वापस नहीं आई। उसके बाद जेनिफर के ऑन स्क्रीन हस्बैंड का किरदार निभाने वाले गुरचरण सिंह पहले शो से एग्जिट कर गए, फिर वापस आ गए और फिर कुछ समय बाद दोबारा चले गए। रीजन बताया गया उनके पिताजी की खराब तबीयत का, लेकिन मेनी रिपोर्ट्स क्लेम्ड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ डिलेड पेमेंट्स, an issue which was raised by another important person to have left the show, Tarak Mehta himself. पिछले साल जब खबर आई कि शैलेश लोढ़ा भी शो से एग्जिट ले रहे हैं तो ऑडियंस वॉज सिवियरली डिसअपॉइंटेड। उनकी ऑन स्क्रीन वाइफ अंजलि मेहता तो पहले ही शो क्विट कर चुकी थी। इनिशियली शैलेश वॉज टाइट लिप्ड अबाउट वाई ही क्विट, बट देन न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अपने यूनिक अंदाज में वजह क्लियर कर दी कि जिस इंसान में बुनियादी तहजीब ना हो उसके साथ वो काम नहीं कर सकते। कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब ना हो मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। All in all, फिलहाल मोदी जी की मुसीबतें बढ़ती ही दिखाई दे रही हैं। With the show already reeling under deteriorating quality and multiple exits, Jennifer's sexual misconduct allegations have put an even bigger question mark on the show's future. आपका क्या कहना है? Do let us know in the comments and do subscribe to Shosha for everything entertainment and controversial.